ladies, namaste, sat sri akal, adab, kya chal raha hai? Hopefully sab kuch acha chal raha hai, maze mein chal raha hai and lekar aa gayi hu round to hell ka interview jo aap log mujhe bolte the. Interview aa chuka hai, dekho, lekin actually hota kaisa na, main video jo hai din mein do hi post kar sakti hu, max to max teen post kar sakti hu, isse zyada nahi post kar pati hu because mujhe bhi टाइम लग जाता है एडिटिंग के अंदर, शूट करने के अंदर, तो समझ सकते हैं आप लोग ये चीज, ठीक है? थोड़ा सा डिले हो जाता है तो आप लोग नाराज मत हुआ करो. वेल चलिए अभी ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही जो हमेशा बोलती हूँ, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कॉमेंट करके बताने की और किसके वीडियोज पर रिएक्शन चाहिए. सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज आप लोग समझो ये बात को, मैं अगर कुछ हो गया इस चैनल को तो मैं सेकंड चैनल पे आप लोग को अपडेट दे सकती हूँ. तो मेक श्योर कि आप लोग वहां पर भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? एंड कोई सजेशंस हो तो वो भी आप लोग दे सकते हो. कमेंट बॉक्स वहां पर भी ओपन है, यहाँ पर भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. और दूसरी चीज की मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे. तो चलते हैं हम लोग हमारे इंटरव्यू के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग इंटरव्यू खत्म होने के बाद. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. YouTube के Avengers. एक एक कैरेक्टर तीनों को करना है, कुछ भी. मुझे क्या पता मैं कौन सा कैरेक्टर करूंगा, पर कर दूंगा कोई सा. मुझे जो अच्छा लगता है शोले का, अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो वो जो मेरा था अमिताभ का, तो वो बजाने का होता है ना, तो मैं लास्ट में मरते हुए भी कहता हूँ मेरी इच्छा है कि मैं ये बजाना चाहता हूँ. हम पे एक फिल्म बन सकती. पहले हमने सोगर की वीडियो बनाई थी वहाँ फुटबॉल की, नाजिम ने, मैंने, फिर हमने फनी वीडियोज बनाई थी इन्होंने. तो सोगर की तो नहीं चली क्योंकि यहाँ ट्रेंड ही नहीं है इंडिया में, लेकिन फनी वीडियोस हमारी चलने लगी. मतलब ऐसा है कि हम जो कंटेंट देखते हैं जो हम, मतलब तो वो ज्यादातर साइंस फिक्शन ही देखते हैं, तो जैसा आप देखते हो तो वैसे ही आपको आइडियाज आते हैं. अभी यूट्यूब से कितनी कमाई होती है राउंड टू हेल्प? गूगल तो मुझ पर मर्सिडीज दिखा रहा है, मुझे पता नहीं, मैं ओला करके आया हूँ. हम जो भी चीज क्रिएट करते हैं, जो भी चीज बनाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि कोई गलत वे में ले उसको. हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज और फनी के पर्पज से बनाते हैं. वायरल कंटेंट बनाने की रेसिपी क्या है? अब तो जो हम डालते हैं वही वायरल है. हाय जैन, वसीम एंड नाजिम, क्यों आए हो आज ईएनटी लाइव पर? सबसे पहले ये बता दो. हम तो रोला जमाने. अब वीडियो की शुरुआत में हमने बोल दिया आप रोला जमाने आए हैं, तो ऐसी बातें जरूर करेंगे आदम जिससे वो जमे और वो जस्ट बोलने के लिए ना जमे, वो लोगों को फील हो. तो बाकी सारी बातें बातें करूंगी, लेकिन पहले मैं आज व्यूअर्स को एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ कि मुझे पता है आज आप लोग बहुत खुश हो क्योंकि इनकी वीडियो में तो आपको कोई लड़की दिखती नहीं है, तो आई होप आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि कोई लड़की आपका इंटरव्यू ले रही है. बिल्कुल नहीं है. कोई दिक्कत है तो बता दो. नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, भाभी बुरा मान है. हां लेकिन अब फैंस को दिक्कत होने लगी, लड़की ले लेती है तो थोड़ा सा लगता है कि वही रहो लड़की. और मुझे मतलब आपको देखते हैं हम लोग तो आप ही लोग रहो, जरूरत नहीं ना आप लोगों को लड़कियों को लेने की. वैसे भी स्क्रिप्ट के हिसाब से तो जरूरत पड़ती नहीं है, मुझे लगता है लड़कियों को दिक्कत हो जाएगी. अच्छा हमें नहीं. और जब पढ़ती है तो आप लोग पूरी लड़की बन जाते हो. हाँ, वो और वो मेरे को लगता है आई थिंक व्यूअर्स को वो चीज बहुत पसंद आती है आपकी, है ना? वो हाँ ही बोलेंगे, ठीक है? और हाँ और क्या बता तो दो, क्या डिमांड है सबसे पहले? क्या डिमांड है? हाँ चलो, लड़की को आपकी वीडियो में आने के लिए क्या डिमांड है? डिमांड क्या है हमारे? वो चीज आनी चाहिए ना. हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? गालियां बकते हैं, वो आती है. आप सिखा दोगे तो हम सीख लेंगे. कैरेक्टर तो काम है सीखने का. लड़की के साथ गाली कहाँ बजेगी? अरे ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ जरूरी थोड़ी. कट कर देंगे. कट नहीं हुआ, ये चलता रहेगा, इसको कोई कट नहीं करेगा. अच्छा एक बात बताओ, बड़ा अलग सा नाम है, मतलब जैसे कि अब मैं YouTube चैनल देखती हूँ खुद बहुत टाइम से YouTube, क्योंकि आजकल हर कोई YouTube चैनल ही फॉलो करता है. टीवी देखते हैं, पेरेंट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, बट हम तुम्हारी तो सारी की सारी जनरेशन ही यूट्यूब पर रहती है. तो नाम होते हैं कैरी बनाती हुई, बीबी की वाइंस,
या हर्ष बेनीवाल या आशीष अंसरानी का अपना चैनल है राउंड टू हेल, आप तीनों ने ऐसा कुछ होता था कभी कि हमारे नाम में से कुछ निकाल के बना देते हैं, या फिर ये राउंड टू हेल जो रखा ये क्यों रखा? नहीं ऐसा था कि एक गाड़ी जब चलाते हैं ना, कार चलाते हैं तो उससे थोड़े स्टैंड स्टैंड करते हैं, तो मैं राउंड में करवा था उससे स्टैंड, तो वहाँ से कि अगर ये गाड़ी गिर जाती टूट जाती या मैं गिर जाता तो उससे कि एक ऐसा चक्कर जो जहन में पहुँचा देता, तो उस टाइम पर घर पे थोड़ी शक्ति थी गाड़ी गिरानी वगैरह ये, तो उसके हिसाब से लिख दिया कि ऐसा चक्कर जो जहन में पहुँचा देता, राउंड टू है, राउंड टू है, इस तरीके से पूरा नाम मुझे भी आज पता चला है। से YouTube पे वीडियोस बना रहे हो, लेकिन एक शिकायत जो सबकी है, नहीं मुझे नहीं पता मेरी जरूर है, कि वीडियोस इतनी कम क्यों आती हैं? क्वालिटी बाबा, वीडियो को क्वालिटी या शूट करने में उसका टाइम, अभी लेटेस्ट वाली आई थी अपनी ज़ॉम्बी 2 तो ऑलमोस्ट उसमें 2-2.5 महीने लगे थे टोटल शूट होने, शूट से एडिटिंग सारा कुछ, शूट से 3 महीने लग गए शूट विद एडिटिंग, 3 महीने। और हम तो उससे कमाई भी नहीं कर पा रहे हैं, $1,000 आ जाता, अभी कॉपीराइट भी आ गया था लेटेस्ट वाली, तो जितना अर्न यूट्यूब से हो नहीं रहा, बट सही है फैंस को मजा आ रहा है, हमें भी मजा आ रहा है। ओके अच्छा, आज की डेट में अगर हम आपका YouTube चैनल देखें तो आप लोग ऑलमोस्ट 30 मिलियन टच करने वाले हैं बहुत जल्दी, इंशाल्लाह जल्दी कर भी जाएंगे। तो लेकिन जब अपनी जर्नी को देखते हो तो ऐसा लगता है कि जब शुरुआत की थी, पहले शुरुआत की बात करेंगे फिर यहाँ की बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज पूरी जर्नी यहाँ पर कवर हो शुरुआत से, तो सबसे पहला फर्स्ट आइडिया तीनों में से किसका था कि कुछ ऐसा करना है? आइडिया नहीं था इसमें, हम लोग थे तो दोस्त पहले, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई आइडिया आया है कि हम एक यूट्यूब चैनल बना है या कुछ, वो बना लिया था सडनली, तो फिर उसमें हमने कि भाई वीडियोस बनाएंगे ऐसी फनी फनी, पहले हमने सोकर की वीडियो बनाई थी वहाँ फुटबॉल की, नाजिम ने मैंने, फिर हमने फनी वीडियोस बनाई थी उन्होंने, तो सोकर की तो नहीं चली क्योंकि वहाँ यहाँ ट्रेंड ही नहीं है इंडिया में, लेकिन फनी वीडियोज हमारी चलने लगी थी, बहुत कम चली थी उस टाइम पर, ऑडियंस भी कम थी लेकिन चली, तो फिर हम इस पर स्टक हुए। और उससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे लाइक वीडियोस बनाने से पहले? पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई पूरी करी? हाँ मैं ये भी ये 12th करके इसने 12th करके छोड़ दिया। ना इसका एग्जाम था उस टाइम पे जब अपन बना रहे थे 12th का, 12th इसका पास आउट हो गया था, लेकिन इसका एक एग्जाम में मेरी एक बैक आई थी, एब्सेंस थी थोड़ी सी, मैं DU में था और वसीम भाई पॉलिस पास कर चुके थे, है ना, कर लिया था 12th किया है सच बोलो। तो ये जो पढ़ाई से जैसे आपने बताया कि ड्रॉप आउट भी किया, कॉलेज पास कर लिया, जो भी हुआ, तो जब पहली बार घर में बताया कि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, आई थिंक जब आपने शुरू किया होगा लाइक फर्स्ट वीडियो जो आप अपनी बता रहे हो, तो तब ये तो नहीं प्लान होगा कि प्रॉपर यूट्यूब चैनल में ही अपना ध्यान लगा रहे हैं, आप तो पहले जो एक्सपेरिमेंट करते हो ना वो डाल के देखा, तो जब घर में 2-3 वीडियो बना ली और घर वालों को बताया कि ये बनाया है या ये यूट्यूब पर जा रहा है, तो क्या रिएक्शन था पहला? हमने बताया नहीं, लोगों ने देखा और लोगों ने घर पे बताया कि ये लोग कैसी वीडियोस बना रहे हैं, उसमें तो कोई करियर भी नहीं है, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं था कि हमें घर से मारा नहीं या पीटा नहीं या घर से निकाला नहीं, सब चीजें हुई हैं। अच्छा। सब चीजें हुई हैं, मतलब एक महीना घर से बाहर भी रहना, मेरे ख्याल से फिल्म बन सकती है, पिक्चर है, फिल्म बन सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, एक एक महीना घर से बाहर रहे थे, अब लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं बड़े बड़े चैनल्स के, उसको देख के अगर कोई बच्चा कर रहा है कुछ तो दिखा सकता है, ये हम बता ही नहीं सकते क्योंकि उस टाइम था ही नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था, लेकिन बाहर जाते थे घंटे, पर अब बहुत बेहतर है, अब जो है मैं मानता हूँ, मुझे जो लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर यूट्यूब को जानते हैं लोग, तो मैं मानता हूँ, मेरी राय है कि हमारे थ्रू जानने लगे लोग यूट्यूब को, नहीं तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे, बहुत जगह है ऐसा, तो नहीं मैं मेरी राय है, मैं अपनी राय रख सकता हूँ, तुम यूपी में
ये नहीं कि भाई था बहुत पहले, ये नहीं है कि मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को। एक बात बताओ, जैसे उस टाइम तो जैसे आपने खुद बताया कि क्रिटिसिज्म था, लोकैलिटी में भी हुआ था, तो आज का क्या स्टेटस है? आज ऐसा है कि अब आसपास अगर रिश्तेदार वगैरह मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि इनकी तरह बनो, या ऐसा कुछ बोलते हैं कि हमारे बच्चों को भी यू नो कभी कास्ट करो, ऐसा कुछ होता है? ऐसा बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत नहीं होता, भूल जाता हूँ। मतलब जो लोग पहले हमें से दिखा रहे थे कि कुछ नहीं होगा इसमें, आज वही अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं कि यार एक फोटो प्लीज। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं, स्पेशली बड़े बुजुर्ग तो जरूर कहते हैं पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, अपना काम करो, अपना काम करो, अगर करो तो, नहीं तो जॉब ही करो, बड़ों का यही कहना है। आई थिंक सबके घर में यही चीज होती है। तो आप तीन लोग, जैसे अभी मैंने बाकी सारे जिन चैनल्स के मैंने भी रिसेंटली नाम लिए, सबने होता है कि एक बंदे का खुद का चैनल है, ये तीन लोगों की जो तिगड़ी है ये कैसे सब कुछ बैलेंस करके साथ में चलती है? कौन क्या काम करता है और कौन सबसे ज्यादा उंगली करता है एक दूसरे को? देखने में तीन है लेकिन है एक। वाओ, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तीन है, तो देखने से लगता है। इसलिए नाम भी है क्या उसमें राउंड के बाद, तो हम ये नहीं मानते कि तीन अलग अलग लोग हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही एक है। मैं उनको बस ये कहते बॉन्डिंग अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी। जैसे आपकी बहुत सारी वीडियो से लगता है 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 और 50 मिलियन से कम तो बात करते ही नहीं है किसी भी वीडियो में, गाइस। जो वीडियो आती है ट्रेंडिंग में जाती है, वायरल होती है, फैंस का है सब, हमारा कुछ नहीं, मतलब वो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। और यही ह्यूमिलिटी ना आपकी लोगों को पसंद आती है। मुझे पता है ये सुन के तो वो भी चीज है, that age of water, और कितनी सारे ideas, और अतरंगी ideas, अलादीन वाला जो आपका था वो, तो ये ideas आते कहाँ से हैं? Because these are not normal ideas by the way। मतलब ऐसा है कि हम जो content देखते हैं, जो हम मतलब तो वो ज्यादातर साइंस फिक्शन ही देखते हैं, तो जैसा आप देखते हो तो वैसे ही आपको आइडियाज आते भी हैं। मतलब ये भी साइंस फिक्शन देखते हैं, मैं भी, नाजिम भी, तो वैसे ही हम बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में नहीं है कि ऐसा कोई यूट्यूब पर दे रहा हो। और मेरे ख्याल से ये साइंस फिक्शन वाला पकड़ना रिस्की भी है, इंडिया बहुत से लोग डरते हैं कि, इसलिए वो सेफ सेफ करते हैं, है ना, सेफ खेलते हैं। हाँ, तो लेकिन हमें मजा आता है, थोड़ा रिस्क लेने में मजा आता है, और फैंस हमारे उस रिस्क को देखते हुए सपोर्ट भी करती है। सात हजार 200 और उसमें ये हुआ था कि हमें वो खर्च नहीं करने, अपने पर्सनल खर्च नहीं करने, हमें वो जो है दान करने, मतलब गरीब लोगों में उसमें ना उसको बांटना, जो भी हेल्प कर सकते हैं किसी की, जो नीड है जिसको, हमने वो किया था, है ना। मतलब पहले से मन था कि फर्स्ट अर्निंग तो हम देंगे, तो वो हमने सारी दी। इस पे इसने 10 रुपए का कुछ गोल करा था, वो मैंने करवा दिए थे कि 10 रुपए से पहले। नहीं, 10 नहीं था मेरे ख्याल से, 30 कुछ रुपए, 30 चिकन जी भी दी थी, 10 रुपए से पहले मैंने अपने पर्सनल ला के दिए थे। नहीं, जो था पूरा करना था ना, वो जो कहा है तो करते हैं। अच्छा, थोड़ा टाइम लगता है मगर होता है। और इंटरव्यू से कम क्यों देते हो? ऐसा है आप लोग इंटरव्यू, मतलब अगर आपको सर्च किया जाए यूट्यूब पर, सच्चाई बता। क्या सच्चाई है? नहीं, मतलब कोई इतना ज्यादा हाई लेवल माने का होता नहीं हमारा, कि बेसिकली मतलब वर्क भी माना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से, आप तीनों के हिसाब से, ऐसी कौन सी एक खास बात है जिससे आपका इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस बना हुआ है आज के टाइम में? क्या बताओगे, क्या चीज है? क्वालिटी, डाउन टू अर्थ, मैं ही आंसर दे देती हूँ। मेरे ख्याल से ऑडियंस हमसे कनेक्ट कर पाती है, वो अपने आप को देखती है, हमें ऐसा लगता है, मतलब हमसे देखती है कि हम उन लोगों के करीब ही है। बिल्कुल ऐसे हम लोग, मैं जो बेसिकली बात है कि इतने प्रोफेशनल हम हैं नहीं, जो बात बन सकते हैं, हम बनते नहीं है, बन रहे हैं, तो वो चीज देखती है कि बन रहे हैं, तो उनको लगता है वो भी बन सकते हैं, तो उनसे बहुत कनेक्ट है। और एक नीचे से उठा हुआ बंदा कोई भी बन सकता है, तो वो चीज मुझे लगता है कनेक्ट करती है। हम कार से कहीं जा रहे हैं और लड़के पहचान लेते हैं, तो वो जो है एकदम कट्टर है ना अपने एकदम, कि अरे बस हम से बोल रहे हैं शीशा नीचे करके, तो भाई तू आगे रुक, ये सिंगल रोड है, हम तुझे सेल्फी दे देंगे। उसने जो थी अपनी गाड़ी भगाई,
आगे पता नहीं डिवाइडर आया क्या आया, वो गिरा और बहुत ज्यादा ऐसा गिरता हुआ गया और उसके बहुत चोट लगी, खून निकल रहा, हमने गाड़ी रोकी। फैन फेस्ट की आपकी वीडियोस काफी वायरल हुई थी उस टाइम, आई थिंक आपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से बैरिकेड्स तोड़े गए। एंबुलेंस मॉडल का फैन फेस्ट, तो उस टाइम पे ना क्या हुआ था कि बहुत सारे फैंस इकट्ठा हो गए थे, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा फैंस आएंगी। तो हम जैसे स्टेज पर पहुंचे तो जो फैंस थे उनकी भीड़ बेकाब हो गई, जो बैरिकेड्स लगे हुए थे आगे उन्होंने वो तोड़ दिए। तो हम सोच भी कर रहे थे, मैं अपना कैरेक्टर ले रहा था ये अपने ले रहा था, तो फैंस ने इतनी वो कर दी कि वो जो बाउंसर थे जो गार्ड्स थे वो भी नहीं कर पाए कंट्रोल, स्टेज पर चढ़कर आ गए तो हमें उन्होंने नीचे उतारा वापस। और फिर ओके ऐसा जब होता है ना कि इसके अंदर पूरा घुसने लग जाते हैं हम लोग और तब वीडियो खत्म हो जाता है तो बहुत बुरा सा लगता है। ओके वेल दूसरी चीज़ ये कि ऐसा है, मैं भी करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना जब एक घंटे की, तो फिर उसके अंदर मुझे पार्ट्स के अंदर डालना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, हर एक चीज़ होने में बहुत टाइम लगता है, ये रीज़न है। ठीक है, इंटरव्यू की बात करो तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैंने पहले ही बोला था ना कि इन तीनों को देखकर ऐसा लगता है इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को देख देख के ना मैंने ही मतलब ऐसे गेसिंग करना शुरू कर दी कि अब ये है अब ये है अब ये है, ऐसी वाली चीज़ हो गई। तो यही चीज़ है कि ये इतने बोलेंगे ना कि फ्रेंडली है, इस तरीके से बॉन्डिंग है कि इंसान जो ना सामने वाले को जान लेता है और इसी वजह से अटैच है। ठीक है कि हाँ भाई हम ये गेस कर सकते हैं, और क्योंकि एक मुखौटा बोलते हैं ना वो थोड़ा कम ओढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, एंड रब जी इन तीनों की जोड़ी को कभी नजर ना लगाए, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। सेकंड पार्ट का वेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि और भी इंसिडेंट्स देखने के और क्या इंसिडेंट्स हुए हैं इनके साथ में। और ठीक है कम इंटरव्यूज देते क्योंकि ज़्यादा फोकस अपने काम पे करते हैं, क्योंकि उसी से इनकी पहचान है देखा जाए तो वो चीज़ वो छोड़ना नहीं चाहते। बस रब जी मेरी विश पूरी कर दो, जल्दी से कोई एक बड़े बैनर के अंदर काम होना चाहिए, मुझे बड़े बैनर पे देखना है इनको। हर वीडियो में बोलती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरी ये दिल से विश है कि ये कंप्लीट हो। ठीक है, एंड यस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, राउंड टू हेल के फैंस के साथ में भी। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों को राउंड टू हेल के और कौन से वीडियोस चाहिए जाइए मुझे कमेंट करके बताइए। और मुझे यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। एंड यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू, बाय बाय।